अजमेर शहर में लगातार रह रहकर हो रही रिमझिम बारिश के कारण हाथीभाटा की सिंधी गली में लगे विद्युत पोल में करंट फैल गया, जिसके कारण पोल से टीन शेड का पाइप बना होने के कारण टीन शेड में भी करंट फैल गया, जिसके कारण कल रात को एक जंगली स्वान उसकी चपेट में आ गया तथा आज सुबह भी एक जंगली स्वान उसकी चपेट में आने से मौत के मुंह में समा गया। गनीमत यह रही कि इलाके में टहलने वाले बूढ़े व्यक्ति इस करंट की चपेट में आने से बचे रहे, जिसके कारण कोई जनहानि नहीं हुई। आज सुबह जब इलाके के वासियों ने विद्युत पोल में करंट प्रवाहित होने की सूचना टाटा डिस्कॉम कार्यालय में देकर वहां से विद्युत कर्मियों को बुलवा लिया, जिन्होंने तुरंत प्रभाव से विद्युत पोल में आ रहे करंट को निष्क्रिय कर दिया। हाथीभाटा स्थित सिंधी गली में मेन रोड पर टीन शेड में करंट प्रभावित होने से इलाके में दहशत का माहौल है। रात भर लोग यह देखते रहे कि कोई राहगीर अथवा इलाके का कोई व्यक्ति टीन शेड को छूता हुआ ना निकले। आज सुबह इलाके वालों ने विद्युत विभाग को सूचना देकर कर्मचारी बुलवाए और इलाके में फैली दहशत से निजात पाई। हाथीभाटा स्थित मेन रोड पे अनार गली के पास में एक खाली प्लॉट है, जो कि दिनेश जी जैन के नाम से ये प्लॉट हमें जो पता है जहाँ तक, तो इसका पाइप इस खंभे से जुड़ा हुआ है जहाँ आपको पीछे आप देख सकते हैं। इसकी वजह से भी ये लाइटों में इसमें अर्थ आया, अर्थ की वजह से कल रात को भी एक कुकुर यहाँ मरा मिला और आज सुबह भी एक कुकुर की यहाँ पे मौत हुई है और क्षेत्रवासी भी यहाँ सब खड़े हुए हैं। लाइन पूरी बंद है, पूरा हाथीभाटा क्षेत्र की लाइटें बंद पड़ी है। अब आए हैं टाटा पावर वाले और देखते हैं ये क्या कार्रवाई करते हैं इस प्लॉट वाले के खिलाफ, या गलती किसकी है, अर्थिंग किस वजह से आ रही है। ये लापरवाही तो एक अर्थ आने की वजह से ही है और लापरवाही किसी की लग नहीं रही है। ये हाँ, ये पड़ोसी मकान में जो झाड़ियाँ उग जाती है इस वजह से ये इसमें गीला होने की वजह से इसमें अर्थ आया। बिल्डिंग तो का हमारे जन्म के भी पहले की है जी, अभी जर्जर अवस्था में बिल्कुल बिल्डिंग, और वार्ड में भी पूरे हाथीभाटा वार्ड 68 में भी पूरे तारों का जाल बिछा हुआ है और अक्सर यहाँ पे हादसे होते रहते हैं और पहले भी एक दो बार इंसानों की के साथ करंट आ चुके हैं, जानवर भी मर चुके हैं, गायें तक की भी मौत हो चुकी है, शावकों कुकुर की भी मौत हो चुकी है। बस अब हम लोग ही हैं जो वार्ड के निवासी हैं, जो ही काम करते हैं मौके पे, यहीं पे आपका रोहित यादव मौके पर है।